नमस्कार प्रणाम, मैं विजय रिपोर्टर। मैं पूरी खबर आपको बता रहा हूँ भोजपुरी में क्यों इतना लफड़ा हो रहा है। हर दिन एक नया मुद्दा, एक नया कारण आ जाता है। आप देख सकते हैं राकेश मिश्रा जी का खुदेने वाला जो गाना है, वो बोल रहे हैं कि मेरा चोरी हुआ। आप सुनिए क्या बोल रहे हैं राकेश मिश्रा जी, क्योंकि इनके साथ चाचा है जो गाना था वो तीन महीना पहले लॉन्च किया गया था, जो कि गाना अलग है, पोस्टर सेम है। पोस्टर और जो अभी पवन सिंह गाना गाए हैं वो गाना के बारे में सभी बोल पिता को हम प्रणाम कर लिए, जो सभी हमारे मित्र भाई साथी के पिताजी पोस्ट किए हैं, सबका आशीर्वाद शायद हमको मिले, सबका दुआ आशीर्वाद मिले। करने के वजह से इन्होंने और इन्होंने इनका कहना है कि मेरा गाना पूरा है। तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा क्यों। बहुत बहुत बढ़िया बानी भाई, एकदम सब लोग के दुआ आशीर्वाद से बहुत बढ़िया बानी। आप जान रहे हैं दोस्तों, और गाना का लफड़ा चल रहा है, छोटा सा बात और बा बड़े बड़े जो स्टार लोग हैं वो गाना गा के सभी को मनोरंजन करने में लगा हुआ है। कुछ देर पहले हमारा डिजिटल टीम जो काम कर रहा है वो पोस्टर पोस्ट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट करने के चक्कर में, अपना लाइव आकर के कुछ नहीं। देखो, दो महीना पहले, दो से तीन महीना पहले गरम है और इसमें हमने गाना गाया था शायद, जो हमें सुनते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उन लोगों को पता भी होगा। और जो भी अभी गा रहे हैं, उस गाने का नाम था पुदीना। देख सकते हैं पवन सिंह अभी गाना गाया था, पुदीना टाइटल था। मैं और शिल्पी राज ने तीन महीना पहले गाना गाया था, उसका वीडियो वेब कंपनी से रिलीज हुआ था लेकर के, और तो आज उसको 3 मिलियन का एक पोस्टर आया, 30 लाख लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला है, तो उसको पोस्ट किया गया। घर पे बहुत पहुंच रहे तो कुछ गधे और चमचे टाइप के लोगों ने वहाँ पे, अभी आज पुलिस भी आए, मैसेज किया है, सुरक्षा मैं दूंगा किसे आपने फैन उनके घर तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत गाना का कॉपी कर लिया, पहुंच रहे हैं। अरे गधे चमचे, यह है कि हमारे अनपढ़ गंवार जो कि बेवकूफ बिना माथा का आदमी पवन सिंह, और उन्होंने आकर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज तक राकेश मिश्रा सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा करता है भाया नहीं। और मुझे गुस्सा आके तब बोलना पड़ता है जब तुम लोग इतने अनपढ़ गंवार हो कि जिस वीडियो को बोल रहे हो कि हम उठा लिए हैं, उस वीडियो का रिलीजिंग डेट जाके देखो कि कितने तारीख को वेब कंपनी से वो गाना रिलीज हुआ है। आज से 3 महीना पहले पुदीना गाना गा चुका हूँ, पवन पांडे ने लिखा था और शंकर सिंह का म्यूजिक था, और उसका वीडियो 3 महीना पहले रिलीज हो चुका है, जिसका टाइटल था पुदीना और वेब कंपनी से ही आया था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो गधे हैं, अकल के अंधे हैं, जो इतने अनपढ़ गंवार हैं, इतने कुत्ते जैसा बात करते हैं, चूतिया जैसा बात करते हैं, उनको डेट नहीं पढ़ने आता है कि किसी भी कलाकार के ऊपर क्लेम लगाने के पहले नीचे डेट तो पढ़ो, रिलीजिंग डेट क्या है। हाँ, तुम्हारे बाप का जागीर है टाइटल, राकेश मिश्रा कभी नहीं बोलता है बाबू मेरे, और तुम जितने लोग ग्रुप बनाकर लगे हो ना राकेश मिश्रा के पीछे, अभी 2 दिन पहले मैंने बोल दिया कि जात पात पे गाना नहीं गाना चाहिए, किसी का नाम धर के गाना नहीं गाना चाहिए, तो तुम लोग दुनिया भर के गंदे गंदे मैसेज मुझे भेज रहे हो। क्या मैंने गलत बोल दिया, मैंने क्या गलती बोल दिया, मुझे कोई बताए। लाइव में जितने मेरे मित्र साथी हैं, जितने भी भोजपुरी सुनवाइया हैं, अगर आपको कभी भी लगता हो कि राकेश भाई आपने ये बात गलत बोल दिया, तो मैं क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन क्या मैंने गलत बोल दिया, तुम लोग 4, 5, 10, 20, 50 चमचे रेडी हो गए हो और चमचागिरी में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है। पुदीना का 3 मिलियन का पोस्टर रिलीज हुआ तो तुमने नीचे लिखना शुरू कर दिया कि ये गलत बात है राकेश जी, आप किसी का टाइटल मत उठाइए। अबे चूतिया अनपढ़ गंवार गधा साले, तुमको देख नीचे डेट नहीं देखते हो कि गाना कितने तारीख को रिलीज है।